हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संगपुष्पी सिरप के बारे में। यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बनाया गया ब्रेन टॉनिक है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में दिमागी विकास के लिए यूज किया जाता है। जानेंगे इस सिरप के कंपोजिशन, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इसके सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संगपुष्पी सिरप की बात करते हैं तो यह एक पौधे के द्वारा बनाई जाने वाली दवा है और यह 100% वेजिटेरियन प्रिपरेशन है। इस पौधे में कई तरह के ब्रेन टॉनिक तथा विटामिन पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली ब्रेन पर काम करते हैं। इस सिरप का नाम संगपुष्पी पौधे के नाम पर ही रखा गया है। इस सिरप को कई सारी अलग अलग कंपनियां बनाती है, जैसे डाबर, वेदनाथ, विरगो, ऊंझा, यह कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं। हो सकता है आपके एरिया में किसी और कंपनी की सिरप मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। इस सिरप के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें शंखपुष्पी, ब्राह्मी, नींबू सतुआ, शर्करा, इस प्रकार ये कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इसमें जो शंखपुष्पी है, यह एकाग्रता को बढ़ाती है, याद रखने की क्षमता को बढ़ाती है, कैचिंग पावर को बढ़ाती है, एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी समस्या को दूर करती है। बात करें ब्राह्मी की तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को बढ़ाती है और उसको हेल्थी रखने में मदद करती है, अच्छी नींद लाने में मदद करती है, मेमोरी पावर को बढ़ाती है, एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी समस्या के स्ट्रेस को दूर करती है। और इस सिरप में ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। संगपुष्पी सिरप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करता है और यह ब्रेन से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे या बड़े में याददाश्त की कमजोरी हो गई हो, प्रॉपर रूप से किसी बात को याद नहीं रख पाता है, तो उस समय सिरप का यूज किया जाता है। मानसिक तनाव रहता हो, बार बार गुस्सा करता हो और चिढ़ता हो, किसी भी काम में एकाग्रता से काम नहीं कर पा रहा हो, यानी किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहा हो, मानसिक कमजोरी हो, किसी काम को करने में मन नहीं लगता हो, किसी काम को करने में मानसिक थकान रहती हो, बच्चे की याद रखने की कैपेसिटी कमजोर रहती है, बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता है, तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस शंखपुष्पी सिरप का यूज किया जाता है। इस सिरप का यूज उस समय भी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी के कारण मानसिक कमजोरी हो जाती है, तो उस समय भी इस सिरप का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। वैसे इस सिरप को संगपुष्पी पौधे के द्वारा बनाया जाता है, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और यह एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को इस सिरप का साइड इफेक्ट हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप का साइड इफेक्ट होता है तो उसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 20 ml से लगाकर 40 ml तक दिन में 2 बार दिया जाता है, और बच्चे के डोज की बात करते हैं तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे को 10 ml से लगाकर 20 ml तक दिन में 2 बार दिया जाता है। यदि इस सिरप को दूध के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को दूध के साथ लेने में प्रॉब्लम होती है तो वह व्यक्ति पानी के साथ मिक्स करके यूज कर सकता है और बाद में दूध पी सकता है। इस प्रकार इस सिरप का डोज लिया जाता है। इस सिरप का बेहतर रिजल्ट पाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने तक इस सिरप का कंटिन्यू यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सिरप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिरप का यूज बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई ब्रेन टॉनिक यूज करते हैं तो उस समय इस सिरप का यूज ना करें। अगर आप इस सिरप का यूज करते हैं तो इसका डबल डोज हो सकता है।
यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको शंखपुष्पी सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।